नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com की खास खबर। में हम आपको बताते हैं कि वामा साहित्य मंच और घमासान.com की ओर से रखा गया महिला अखिल भारतीय लेखिका सम्मान, जिसमें शशि पुरवार ने कहा कि हिंदी कविता का प्रतिमान बहुत तेजी से बदल रहा है। आइए देखते हैं उनका कुछ विचार। आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा भारत की 100 महिला अचीवर सम्मान भी है। संवेदनशील लेखनी की धनी शशि जी इंदौर की बेटी हैं। आपके मायके में आपका विशेष स्वागत शशि जी। आप आइए और अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम इंदौर नमस्कार। और वामा साहित्य मंच और घमासान.com बहुत सुंदर आयोजन हेतु सर्वप्रथम बधाई देती हूँ। वाकई बहुत अच्छा आयोजन और संचालन किया है। अब यहाँ मौजूद सभी माननीय अतिथिगण, सुधीगण, सभी को नमस्कार। सीधे वक्तव्य पर आती हूँ, सीधे चर्चा के विषय पर आती हूँ, समय सीमा का ध्यान रखते हुए। काव्य में अभिव्यक्ति के लिए बदलती प्रतिमा, इस विषय पर बात शुरू करते हैं कि कवियों ने अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बहुत अनूठे ढंग से की है, चाहे वह प्रेम हो, विरह हो, पीड़ा, वात्सल्य, मातृत्व, सभी रूपों का वर्णन किया है। और काव्य में, काव्य की अभिव्यक्ति में, काव्य का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। काव्य का कथ्य शिल्प समय सापेक्ष परिवर्तित होता रहा है। काव्य के समय सापेक्ष परिवर्तन से ही नए प्रतिमान स्थापित होते हैं। अब जब बात प्रतिमानों की हो रही है, तो कविता में प्रतिमानों की बातें अक्सर होती रहती हैं। तो सबसे बहुमूल्य विचार माने गए हैं डॉक्टर नवंबर सिंह के, जिसे उन्होंने कविता के नए प्रतिमानों में व्यक्त किया। अब ये प्रतिमान क्या है? जैसे अनुभूति की प्रामाणिकता, ईमानदारी, जटिलता, सौंदर्य, विवादमकता, विसंगति, सृजनात्मक भाषा, सपाट बयानी और नाटकीय। अब जब बात प्रतिमानों की हो रही है, तो प्रश्न उठता है कि प्रतिमान क्या है? प्रतिमान वे हैं जिनके आधार पर हम किसी रचना को तौलते हैं कि वह अच्छी है या कैसी है। ये प्रतिमान समय के साथ बदलते रहते हैं। इसका मतलब कि आज के प्रतिमान की कसौटी पर हम भक्ति काल की रचना को नहीं तौल सकते, भक्ति काल की रचना का आकलन नहीं कर सकते। परिवर्तन के साथ समय साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहा है। अब जैसे पंत जी की बात लेते हैं, तो पंत जी ने सौंदर्य प्रवर्तक हैं। उन्होंने चिदंबरा की भूमिका में लिखा था, अब जब काव्य का सत्र है, तो मैं काव्य के उदाहरण देकर इस सत्र को पूरा करूंगी, न कि गद्य के रूप में। तो उन्होंने चिदंबरा की भूमिका में लिखा था, खुल गए छंद के वन, खुल गए छंद के वन, प्रास के रजत उतार, अब गीत मुक्त और युवान बहती अयास, बन गए कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, जीवन संघर्षण देता युग लगता गया। अब जब बात प्रतिमानों की हो रही है, तो प्रतिमानों में कथ्य शिल्प समय सापेक्ष परिवर्तन ही नए प्रतिमान स्थापित करता है। अब बात अनुभूति की प्रामाणिकता की हो या ईमानदारी की, जैसे मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, जिसमें उन्होंने कृषक नारी का चित्रण किया। आप देखिएगा कि उस रचना में उन्होंने किस तरह अंकित किया है कि गोबर उठाती थापती है, गोबर उठाती थापती है, भोगती आयास में, कृषि काटती लेती परोहे, खोदती है घास में, ग्रह कार्य जितने भी है करती वहां संपन्न है, किंतु कदाचित हां कभी भर पेट पाती अन्न है। वह रात रहते चक्की चलाने बैठती, वह रात रहते जागती चक्की चलाने बैठती, लेकिन क्या कहे उससे चला पाने बैठती, वे सुख भुलाने बैठती या दुख भुलाने बैठती। अब इस रचना में यदि आप देखें, तो कवि की अनुभूति की प्रामाणिकता है, ईमानदारी है और सामाजिक जटिलताओं की व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। अब प्रतिमान की जिस तरह हम बातें कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी
मैथिली शरण जी की जो रचना दी, इसी तरह निराला जी ने बिंबों की, श्रृंगार बिंबों की बेहद सुंदर अभिव्यक्ति की है। बिंब जैसे प्रतिमान, मैंने आपको जितने भी उदाहरण बताए हैं सब एक एक प्रतिमान स्थापित करते हैं, चाहे वो द्वंद्व, विसंगति, विडंबना, नाट्यता, सपाट व्यारी, सब आपको एक एक उदाहरण करके बताऊंगी। तो निराला जी की एक रचना है जिसमें उन्होंने श्रृंगार बहुत की बेहद खूबसूरत अभिव्यक्ति है। आप सभी ने वो गीत सुना होगा कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह नहाती थी, हंसकर आंखें रह जाती थी बसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबको दांव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। रचना में श्रृंगार बोध है, सकारात्मकता है और सकारात्मकता होनी चाहिए। जिस तरह निराला जी, बच्चन जी और नीरज जी ने गीतों की रचना की है, बेहद सुंदर बिंबात्मक अभिव्यक्ति की है। जब बात गीतों पर आई है तो मैं नवगीत विधा के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगी जो आज नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। प्रतिमान वही है जिसके बारे में मैं आपको अवगत करा चुकी हूँ। तो नवगीत हिंदी काव्य की सशक्त धारा में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। नव गति, नव लय, नव ताल में रचे बचते गीत समय के साथ संवाद स्थापित करते हुए पाठक के दिलों में तरलता की छाप छोड़ते हैं। नवगीत गीतों से प्रकट नहीं है अपितु संवेदनाओं से जन्मे हुए वे नव सदी के गीत हैं। भाषा और शिल्प की दृष्टि से नवगीत आग्रही हैं। नवगीत में सपाट बयानी मान्य नहीं है। जिस तरह आजकल प्रचलन है, हर जगह फैक्ट्री खोल रखी है लोगों ने, लेखन को सपाट बयानी के रूप में लिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी विधा हो। तो सपाट बयानी मान्य नहीं है। किसी भी रचना में नवता को ग्रहण करना, समय के साथ चलना नए प्रतिमान स्थापित करता है। नवगीत में मैं आपको चंद कुछ कुछ उदाहरण देकर बताऊंगी कि किस तरह जो प्रतिमान स्थापित हुए हैं, चाहे वो भी संगति हो। जैसे एक श्रृंगार बोध का मुझे याद आ रहा है, एक माहेश्वर तिवारी की प्रश्न है जिसमें उन्होंने श्रृंगार बोध की एक ऐसी आत्मिक अनुभूति है, दो व्यक्तियों का परस्पर संवाद प्रेमानुभूति। याद तुम्हारी जैसे कोई कंचन कलश भरे, जैसे कोई किरण अकेली पर्वत पार करे, लगता जैसे हरीते घर से कोई प्यास भरे। बात प्रतिबिंब प्रतिमानों की है तो यहाँ प्रतिमान श्रृंगार बोध का था। एक रचना में जैसे नवगीतों में आंचलिकता की खनक है तो लोक भाषा लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग नवगीत को नए आयाम स्थापित करता है। नवगीत में मुहावरों का प्रयोग, एक उदाहरण देती हूँ कि परिस्थिति के कारण जब मन के सहने की पराकाष्ठा समाप्त होती है तो स्वरों में जड़ता का संदेश प्रतिरोध का ताना बाना बुनता है और यह तूफान आने के पहले तूफान की शांति का संदेश है। तो ये दो पंक्तियों में समेटा गया है। काट होते स्वर अचानक खींच कर कुछ बड़बड़ाए, आंधिया आने को है सुनो पत्ते खड़खड़ाए। नवगीत जन चेतना के गीत हैं। नवगीत में अगर नवगीत जन चेतना के गीत हैं और इस नवगीत की यह खासियत है कि जीवन के खुरदुरेपन को सरलता, सघनता और सहजता से व्यक्त करते हैं। नवगीत में समसामयिक अभिव्यक्ति भी है। और जब नारियों की बात है तो मैं कुछ नारियों की रचनाओं की चंद पंक्तियां आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगी कि नारियां अगला नहीं सबला है और हर विषय पर खुला प्रहार करती हैं। जैसे पूर्णिमा वर्मन की एक रचना याद आ रही है कि खुशनुमा सी यह सड़क शहर का दीदार है, यह दिहाड़ी पर मजदूर दर्द की दीनार है, रूढ़ियों पर सर पटकती खानदानी नार है, तो प्रेरणा से जगमगाती जोश की तलवार है। ये नारी की सकारात्मकता ही तो है। नवगीत जब बात प्रतिमानों की है तो जब नवगीत में समसामयिक अभिव्यक्ति हुई है तो नवगीत में विसंगतियों पर भी खुला प्रहार हुआ है। विसंगतियां, जटिलताएं
अब जैसे नारी मन की एक अभिव्यक्ति है जो गृहणियों की आम दशा है, नारी के अंतर मन की पीड़ा को, जब नवगीत है तो उसमें बिंब जरूर होंगे, नवगीत कहे या गीत कहे या किसी भी रचना को कहे, बिना बिंबात्मक रचना पूर्णतः नहीं हो सकती। तो नदी की उपमा करके नारी के बिंब प्रस्तुत किए हैं कि नीलम श्रीवास्तव का एक गीत जहन में याद आ रहा है कि बूंद बूंद विष्कुंड हो गई ठहरी हुई नदी, अपनी दशा अपनी पीड़ा दिशाहीनता, किससे नदी कहे कौन भगीरथ उसकी उंगली थामे और रहे, अपनी ही दाहों में घुल हुई गहरी हुई नदी। जहाँ नवगीतों में द्वंद्व उकेरा गया है, विसंगतियों पर और जटिलताओं पर खुला प्रहार किया है, इसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ कि कागजों पर ही सिमट कर शेष है संभावनाएं, क्या करें शिकवा जहां से मर गई संवेदनाएं, आदमी ही आदमी के खून का प्यासा हुआ है, शहर भर चर्चा छपा फूल को किसने छुआ है, रक्त रंजित हो गई आदमी की भावनाएं, गंध से संबंध टूटे शूल सी दुर्भावनाएं। जिस तरह नवगीत ने जटिलता को उकेरा है, विसंगतियों पर खुला प्रहार किया है, और एक छोटा सा शांति सुमन का एक जिसने सामाजिक खोखली मानसिकता को व्यक्त किया है, उसका कारण यह है कि आज शहर और गांव की महिलाएं आम सामाजिक समस्या से जूझ रही हैं, नारी अस्मिता पर आज भी प्रहार हो रहे हैं और नारी सुरक्षा का प्रश्न समय की आंख में आग डालकर खड़ा हुआ है। तो गंदी खोखली मानसिकता आप देखिए कि क्या है, शव किसी युवती का है, शव किसी युवती का है, भीड़ है देखने वालों की, उठाने वालों की नहीं। वह जहां पड़ी थी सैकड़ों किस्सों की, सैकड़ों मुंह, और वह सिर्फ देह थी, वह देह के साथ रही और देह के साथ ही मर गई, मनुष्य होने की आदिम परिभाषा पर पत्थर रख गई। यह है हमारे समाज का असली आईना, जिसे आप कितना भी ढके नहीं ढक सकते, और यह मानसिकता सभी को बदलनी होगी। अब नवगीत के जो रंग है, नवगीत पाठक के दिलों में तरलता का आभास कराते हैं, नवगीत समय के साथ संवाद करते हुए, पाठकों से संवाद करते हुए उन्हें उनकी ही पृष्ठभूमि का आभास कराते हैं। तो नवगीत अगर आप लिखेंगे तो आपके ही परिवेश में आपकी ही बिखरी हुई संवेदनाएं आपसे ही संवाद करती चली आएंगी। अब जब बात प्रतिमानों की है तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व, एक रचनाकार के पास क्या होता है, एक रचनाकार के पास अनुभूति के केवल क्षण होते हैं, और यही क्षणिक अनुभूति प्रामाणिक हो सकती है, और उसकी सहज सहज अभिव्यक्ति में उसकी ईमानदारी निहित है। तो आज अभिव्यक्ति ने नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, और नवगीत समय के साथ नवता ग्रहण करते हुए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। नित्य नए नवता ग्रहण करना और प्रतिमान स्थापित करना नवगीत की पहचान है। तो प्रतिमानों के बारे में जो मैं विषय से न हटके सिर्फ प्रतिमान के उदाहरण दिए हैं आपको, चंद छोटी छोटी अनुभूतियाँ, और मेरी बात मैं एक गीत से समाप्त करूँगी क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मेरा एक गीत करके मेरी बात कांत करूँगी, और मेरा यह गीत देश को समर्पित है। आज सर्वप्रथम पुलवामा में हुए शहीदों को नमन, सभी को मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना होगा जहाँ शांति प्रेम और सौंदर्य के रंग बिखरे और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हाथों में हो। तो मेरे गीत आपके समक्ष प्रस्तुत और साथ ही यह गीत देश को समर्पित। उठो ए देशवासियों, उठो ए देशवासियों, चमन नया बसाना है, दिलों में मातृभूमि की अलग नई जगाना है। उठो ए देशवासियों, चमन नया बसाना है, दिलों में मातृभूमि की अलग नई जगाना है। सीमा पर चल रही है नफरत की ऐसी आंधियां, कतरा कतरा खून से लिख रही कहानियां, सांस सांस सख्त है यह आया कैसा वक्त है,
जर्रा जर्रा बेशक बट रही निशान। आओ आओ साथ मिलकर द्वेष को मिटाना है, दिलों में मातृभूमि की अलख नई जगाना है। यहाँ ईमान बिक रहा है, दूसरा वर्ण है, यहाँ ईमान बिक रहा है, स्वार्थ का व्यापार है। यहाँ ईमान बिक रहा है, स्वार्थ का व्यापार है, चले जिन भी राहों पर पतित अत्याचार है। कदम कदम पर धोखा है, कदम कदम पर धोखा है, दहशत को किसने रोका है, चप्पा चप्पा मातृभूमि के पुनः पुनः प्रहार है। आओ स्वार्थ के घरों में सुरंग नहीं बनाना है, दिलों में मातृभूमि की अलग नहीं जगाना है। मेरा अंतिम बंद, यह जो हो रहा है आतंकवाद को खात्मा करना बहुत आवश्यक है। तो अंतिम बंद है, मुल्क की आन का बड़ा अहम सवाल है, अब मुल्क की आन का बड़ा अहम सवाल है, फिजूल की बदियों पर मचता बवाल है। बदला बदला वक्त है, बदला बदला वक्त है, यह तरुण अनाशक्त है, अब देशभक्ति की तरंगों से करना इकबाल है। आओ नए राष्ट्र के गगन पर पतंग नहीं उड़ाना है, दिलों में मातृभूमि की अलग नहीं जगाना है। उठो ए देशवासियों, चमन नया बसाना है, दिलों में मातृभूमि की अलग नहीं जगाना है। जय हिंद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.